दूसरी माला हमारे मुख्य अतिथि जी के गले में अर्पण होगी। जोरदार ताली। और है माननीय विनोद मदेशिया जी के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी के गले में माल्य अर्पण के लिए सम्मान किया गया। अब हम आग्रह करेंगे अपने माननीय मुख्य अतिथि जी से कि यहाँ आए हुए तमाम दर्शकों के बीच में अपने मुखारविंद से दो शब्द इस दशहरे के पर्व के अवसर पर रखें। बरहज की इस पावन धरती पर पधारे हमारे सभी माताओं बहनों पिता तुल बुजुर्गों एवं भाइयों, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं संचालक महोदय का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़े ही पावन दिन पर मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे गर्व महसूस कराने का काम किया। साथियों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं कुछ मूल बातों पर आप लोगों से विचार करके अपने बात को विराम करना चाहूंगा। रामलीला हम लोग बरसों से देखते आते हैं, सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं। जब हम छोटे थे तो शायद हम लोगों को हमारी दादी माँ रामायण के बारे में जरूर सुनाया करती थी, कहानी सुनाया करती थी। थोड़े बड़े हुए तो किताबों में भी पढ़ने का मौका मिला और बड़े हुए तो टीवी पर भी देखने का मौका मिला। पर साथियों, पर देखने और पढ़ने से ही यहाँ का जो काम है रामायण और रामलीला की जो कहानी है यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हम सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं रामायण के बारे में। महाराज दशरथ जी के चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पर हम लोगों ने क्यों कभी सोचने का काम किया कि इन चारों भाइयों में केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को ही यह दर्जा क्यों मिला? मेरे कहने का मतलब ये नहीं साथियों कि बाकी के जो तीन भाई थे उनमें कोई कमी थी, वो अपने जगह पे बिल्कुल सही थे। जिस प्रकार पढ़े लिखे होकर भी कुछ मूल बातों पर हम लोग अनजान हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रामायण हम लोग बरसों से देख देख कर भी कुछ मूल बातों पर भी हम लोग जाने बिना भी अनजान हैं। आज का दिन धनुष यज्ञ के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है साथियों। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी धनुष बाण को तोड़कर सीता माता के जीवन में आए थे। हम लोगों को कुछ भी देखते हैं तो बड़े जल्दी हम लोग सोचते कि रामचंद्र जी का हम भी वैसे ही होते, रामचंद्र जी की तरह हम भी हो जाएं। रामचंद्र जी बनने के लिए सबसे पहला जो कार्य होता है साथियों, हम लोगों को सबसे पहले उनके विचारों को अपने अंदर डालना चाहिए, उनके आचरण को अपने अंदर डालना चाहिए, तभी हम रामचंद्र जी जैसे महान इंसान कहला सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है, सच्चे इंसान के अंदर ही देवता निवास करते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर वो तो बखूबी जानते हैं, जो हमारी उम्र के नौजवान साथी हैं, बहने हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग
जितना रामायण अच्छे से देखते हैं उसकी बातों को उतना जानिए और अपने दिलो जहन में डालने की कोशिश करिए। जब तक हम अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हम लोग शारीरिक विकास तो कर लेंगे शायद, पर शायद मानसिक विकास कभी नहीं कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को हनुमान चालीसा के आखिरी पंक्ति के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। हालांकि आज हमारे जैसे धनुष यज्ञ की बात हो रही है तो हनुमान जी हमारे ख्याल से परसों आप लोग के समक्ष आएंगे, पर मैं हनुमान जी का भक्त और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं। हमारे खुद श्री रामचंद्र जी भी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी खुद रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो मैं उनकी एक पंक्ति आप लोगों के सामने सुनाकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्ति को सुना होगा, पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। प्रार्थी इसमें यह कहना चाहता है कि हे पवन पुत्र, आप संकट हरण है, मंगल रूप हो, आप हर दुनिया की हर लोगों का संकट हरने वाले देवता हो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, यही विनती करता हूँ, जिस तरह आप सबके जीवन के संकट को हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता माता से और स्वयं हनुमान जी आपसे यही विनती करता हूँ कि आप हमारे हृदय में हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए निवास करें। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ एक नारा लगा के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। मैं चाहूंगा मेरे बाद आप लोग भी उस नारे को बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद।